तो स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल थॉट्स ऑफ बिजनेस। देखिए स्टूडेंट, आज देखने वाले हैं कि जो अवसारी का कॉलेज है वो कैसा है, किन बच्चों को डालना चाहिए, किन को नहीं डालना चाहिए, क्या इस कॉलेज को डाल के प्लेसमेंट मिलेगा, क्या इस कॉलेज को डाल के हमें अच्छा कॉलेज है या बुरा कॉलेज है, इस कॉलेज की जो सारी प्रायोरिटी है, इसकी जो फैसिलिटी है, इसकी जो फीस है, तो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है इस कॉलेज का वो हम अपने वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए कि क्या होता क्या है कि कुछ बच्चे जो है वो इसी टाइम जो कॉलेज चूज करने में गलती कर देते हैं, उस बार बाद में पछताते हैं ज़िंदगी भर। तो अभी आपको समझना होगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, गवर्नमेंट ले, प्राइवेट ले, ऑटोनॉमस ले, नॉन ऑटोनॉमस ले, एडेड ले, नॉन एडेड ले, कौन सा ले कॉलेज, तो उसके हिसाब से जो मैं सीरीज है सीरीज लगाई है, तो आप पिछले वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। अवसारी के बारे में आपको बता दूँ कि अवसारी का जो स्टाफ है, स्टाफ अच्छा है, बट आपके हिसाब से मैं बता दूँ जिन जो लोगों को जो सिर्फ CS छोड़ के, मीन्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट छोड़ के, जिन बाकी के डिपार्टमेंट के बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, मुझे ना प्लेसमेंट चाहिए ना कुछ चाहिए, तो उन्हीं स्टूडेंट को मैं सजेशन दूंगा कि आप अवसारी का कॉलेज ले। जिन बच्चों को लगता है कि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, मुझे अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि आप इस कॉलेज को मत ले। इससे अच्छा कॉलेज जो है, इससे अच्छा कॉलेज जो है इसी रेंज में आपको मैं दूसरा कॉलेज बता दूंगा, क्योंकि जो बच्चे हैं जो अवसारी के रिलेटेड में रहते हैं, वहाँ के रहते हैं, उनको सिर्फ अवसारी में जी सिर्फ गवर्नमेंट की डिग्री चाहिए, तो उन बच्चे आ जाते हैं। लेकिन जो अदर साइड के बच्चे हैं, सपोज आप विदर्भ के बच्चे हैं, विदर्भ से आप वहाँ जाएंगे, अवसारी में आप ये करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, और उसके बाद आपका प्लेसमेंट नहीं कुछ नहीं, तो फिर क्या आपका जो इंजीनियरिंग की डिग्री करके क्या फ़ायदा फिर उसका। देखिए दोस्तों, सही जो बातें हैं, सही बातें हम स्टूडेंट को बताते हैं, स्टूडेंट को फंसाते नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो कॉलेज करने की दिक्कत ही है, उसमें जो दिक्कत आती है कॉलेज सिलेक्ट करने में, तो वो दिक्कत किसी भी बच्चों को ना आए, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो अवसारी का कॉलेज है वही बच्चे डाले जिन्हों को सिर्फ गवर्नमेंट की डिग्री चाहिए, जिनको ना प्लेसमेंट चाहिए ना कुछ चाहिए, या कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ पिछले साल कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए प्लेसमेंट आया था, वो भी एक दो कंपनी ही आई थी, तो उसी कंपनी के थ्रू मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही सिर्फ CS के लिए कैंपस आया था, बाकी अदर कुछ नहीं। ये जो दिखा रहे हैं कि प्लेसमेंट भी देख सकते हैं कि कोई यहाँ प्लेसमेंट वगैरह कोई नहीं दिखा रहा, तो जिन बच्चों को लगता है कि मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए, तो वही बच्चे इसमें एडमिशन ले। डायरेक्ट सेकंड ईयर की फ़ीस वगैरह भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम फीस है, क्योंकि उस कॉलेज का कुछ ऐसा नाम ही नहीं कि जिसके से उसकी जो फीस है वो फीस अच्छे लगाए। तो बॉयज़ हॉस्टल या गर्ल हॉस्टल दोनों है। मैं आपको बता दूँ कि जो शहर सिटी है, सिटी से 56 किलोमीटर यानी पूना से 56 किलोमीटर पर है अवसारी का जो कॉलेज आपका है। इसके बावजूद मैंने कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि 3 किलोमीटर आपको जो है किसी भी सामान लगेगा या कुछ भी लगेगा तो आपको 3 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि जो विलेज है उससे जो बड़ा विलेज है जहाँ आपको कुछ भी सामान वगैरह लाने हो तो 3 किलोमीटर जो है 3 किलोमीटर जो है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये ना किसी सिटी में है ना ही किसी गाँव में या शहर में है, तो एक बाहर है, 56 किलोमीटर पुणे से बाहर है। तो जिन स्टूडेंट को लगता है कि मुझे अवसारी ही लेना है, तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि अगर आपको अच्छा इंजीनियरिंग करना है, अगर आपको पक्का प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा कि अवसारी कॉलेज मत ले, इससे ज़्यादा अच्छा आप प्राइवेट कॉलेज देखे। लेकिन जिन स्टूडेंट को लगता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे गवर्नमेंट के इस टैक वाली डिग्री चाहिए, तो उनको अभी हम क्या बता सकते हैं, तो उनको मैं बता दूंगा कि आप ले सकते हैं। जो कंप्यूटर इंजीनियर के स्टूडेंट है वो ये कॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि पिछले साल एक दो कैंपस आया था तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स या सिविल या अदर डिवाइस अदर जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं कि ये कॉलेज मत ही ले। कंप्यूटर प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ कि अदर फैसिलिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि नहीं ले। तो जो भी स्टूडेंट को कोई भी यहाँ इस कॉलेज में कंफ्यूजन होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझे मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम लिंक मेरा वहाँ अवेलेबल है। जिन बच्चों को अभी तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि एडमिशन फॉर्म कैसा भरे, क्या भरे, कि एडमिशन कैसी ले, कौन सा कॉलेज डाले, कौन से कॉलेज को प्रेफर करें, परसेंटेज के अनुसार मैं आपको सजेशन दूंगा। कुछ चैनल वाले हैं जो इनके लिए पेड लेते हैं, लेकिन मैं ये आपको फ्री में दे दूंगा कि कौन सा कॉलेज आपको टॉप में डालना है, कौन सा कॉलेज आपको किधर रखना है, तो उसकी पूरी सलाह जो है मैं आपको देता रहूँगा। अब मेरे पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं जिनमें मैंने बताया है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है,
किस परसेंटेज से कौन सा कॉलेज ले, फीस से किस कौन सा कॉलेज ले, प्राइवेट की फीस कौन से कॉलेज की कितनी घटी है कितनी बड़ी है, ये सारे जो कन्फ्यूजन है बच्चों की वो मैंने दूर कर रखी है। तो उसके बाद ही आने वाले जो अपडेट्स होंगे अपडेट में देता रहूँगा कौन सा कॉलेज आपको लेना है कौन सा नहीं लेना है। प्राइवेट कॉलेज भी बता दूंगा कि ये कॉलेज आपको लेना है ये कॉलेज मत लेना है। तो ऐसी जो वीडियो होती है वीडियो को आप सब्सक्राइब करें जिनसे आपको अच्छा मोटिवेशन आए और आपको अच्छा लगे कि जो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो जय हिंद जय महाराष्ट्र।